साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आज मेरे साथ मौजूद है कॉमेडी की शान। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि कॉमेडी की दूसरी पारी लेके आ रहे हैं हम लोग। पहला सीज़न बहुत बड़ा हिट रहा है, जब दूसरा सीज़न आता है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इस बार क्या नया होने वाला है? इसका जवाब मेरे ख्याल से कह नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो हम पुराने सब लोग तीनों रोशनी डालनी पड़ेगी। हाँ जी, रोशनी तो मैं PhD है मेरा रोशनी डालने। सो मैं एक्चुअली पहले सीज़न में जब मैं था मुझे भी पता नहीं था कि कॉमेडी कैसे जज करते हैं, और कंटेस्टेंट भी आ रहे हैं उन्हें भी पता नहीं कि कौन से राउंड्स होंगे। तो आई थिंक पहले सीज़न में बहुत डिस्कवरी था और इनोसेंस था, और इस सीज़न में सबको पता है कि क्या होने वाला है, कि एक ही विनर होने वाला है, और 7-8 राउंड है, और इसकी वजह से आई थिंक प्रेपरेशन वॉज मच हायर और कंटेंट भी वॉज मच बेटर एंड शार्पर, और कंटेस्टेंट ने शो को ऑल्सो स्लाइटली मोर लाइक कॉम्पिटिशन की तरह ट्रीट किया, वाइल द फर्स्ट वन इज मोर लाइक अ फन 10-episode जर्नी। तो दैट्स द डिफरेंस आई फील कि अभी ज़्यादा सीरियस हो गया है ये शो आयरॉनिकली। आप सभी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, तो एक एक वर्ड में जानना चाहूँगी कि अगर अपने फैंस को या जो आप लोग की तरह बनना चाहते हैं एक एक वर्ड बताइए जो वो आपकी तरह बन सकें। नीति स्टार्ट करते हैं। फनी, लिखना, शक्ति, हार्डवर्क, ऑप्टिमिज्म। मैं आप लोग का सेंस ऑफ ह्यूमर देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही अच्छा है। कोई सेट के आप कुछ बताना चाहें, कोई ऐसी वारदात आप लोग के बीच में हुई हो? वारदात हुई, 2-3 मर्डर हो गए थे वहाँ पे। वारदात और क्राइम पेट्रोल पे उस पर एपिसोड भी बन रहा है। आपको क्या लगता है सीआईडी क्यों बन रहा है? हाँ, तो वही कि वारदात तो यही हुई थी। आप लोग सब साथ में होंगे तो वारदात ही हुई। नहीं तो मतलब सेट पे माहौल बड़ा फ्रेंडली था, और क्या है कि एक बड़ा रीज़न कॉमिकस्तान को करने का जो है वो ये भी था कि हम लोग सब लोग ठीक ठाक पॉपुलर लोग हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलना नहीं हो पाता, और कॉमेडी सर्किट जो बहुत छोटा सर्किट है तो बहुत टाइट। हमने जब शुरू किया था तो हम लोग सब ये 3.5-3 लोग थे जान पहचान के। कॉमिकस्तान की वजह से हम सब लोगों को दोबारा एक दूसरे के साथ वक्त बिताने को मिलता, पूरा दिन शूट चलता है तो सुबह से लेकर रात तक, तो मतलब अपनी वैनिटी में कोई आदमी आपको मिलेगा नहीं वहाँ। ठीक है, मतलब कि अगर मेरा नाम लिखा है तो वहाँ मैं, मेरे अलावा 5 लोग और होंगे, या फिर मैं किसी की वैनिटी में मैं बैठा होंगे, तो यही हमारा, हम बस वो कैसे जैसे करके नाक मुंह सिकोड़ के हम तैयार बड़ी मुश्किल से हो जाते हैं, उसके अलावा जो है जब तक रोल नहीं होता तब तक हम तो एक दूसरे के साथ ही चिल कर रहे होते हैं। अभी देखिए आप तस्वीरें वगैरह डालेंगे। अच्छा, अगर कॉमेडियंस नहीं होते आप लोग तो क्या नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों ने क्या सोच रखा? कुछ अब तो खैर नहीं जरूरत है, लेकिन अगर होते तो? तो मैं मेरे ख्याल से अगर सीरियस आंसर ये है कि मैं टीचर होता, म्यूजिक टीचर होता किसी में, और अगर मेरा आप असली आंसर सुनना चाहें तो मैं कंचे बेचना चाह रहा था। ये भी एक मेरा बड़ा पैशन था बचपन में, कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार कि जीत के आप कितने ही कंचे मतलब हो सकते हैं आपके पास, पर आपकी कंचों की दुकान हो। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि मैं सब कंचों की दुकानें खरीद लूँगा और उसके बाद मोनोपलाइज करूँगा कंचों को। मैं उस टाइम पे जब मैं छोटा था तब 1 रुपए के 12 मिलते थे, तो मैं सोच रहा था कि 1 के सिर्फ 4 बेचा करूँ। ठीक है, हाँ, क्योंकि सारी दुकान में तो हिट था धंधा, है ना, 3 गुना। सीरियस आंसर, मैं शेफ बनना चाहूँगी, और शायद आई थिंक मैं थी भी एट सम पॉइंट, और अगर मेरे को फन आंसर चाहिए तो मैं पक्का जुआरी बनती। पक्का, आई थिंक आई हैव ग्रेट एक्टिंग स्किल्स टू बी अ जुआरी, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं उसका उसे चकमा देके निकल रही हूं। तो चिप्स कम पड़े तो मेरे कंचे ले लेना। ओ ओ ओ ओ, ग्रुप डिस्कशन। सेट पे कभी अच्छा खाना लेके आई आप बना के? नहीं, मैं सेट, ओ गॉड, हम वहां जा रहे हैं। नहीं, मैंने सेट पे कभी लाई नहीं है, बट हाँ इनमें से कुछ लोगों ने मेरा खाना खाया है। हाँ, उन्होंने खाया क्या? उन्होंने खाया क्या? नहीं खाया? नीति ने खाया है? नीति नहीं खाया जाके? नीति आपने भी नहीं खाया? अच्छा, नीति ने भी नहीं खाया क्या? ओह, नीति ने भी नहीं खाया। तो मैं और नीति जो हैं उन्होंने सुमुखी का खाना हमने नहीं खाया, बाकी बॉम्बे में मतलब आपको रोड पे जो भिखारी हैं उन्होंने भी नीति सुमुखी का खाना खाया है, जो ट्रेन चलाते हैं, है ना, मतलब हर हवलदार से लेकर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सब ने खाना खाया है, पर बस मैं और नीति ही रह गए हैं तुम्हारे साथ। हम ही लोग, तुमने ये किया तो मुझे अभी बताओ। जी जी जी, आपके पास? मैं थेरेपिस्ट बनती क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो बस। मैं ड्रामा टीचर बनना चाहता हूँ बच्चों के लिए। मैं शराबी बन, पीछे नहीं पड़ रही। शराबी नहीं, सॉरी, जिसे आजकल फूड क्रिटिक कहते हैं, फूड क्रिटिक बनती मैं। थैंक यू सो मच मुझे बात करने के लिए। थैंक यू। कैमरा पर्सन कालीकांत के साथ सोनाली भदौरिया, E24 दिल्ली।